أنت ولا عندنا ولا يعبدك وزوم الله ولا يزيم. يا الله يا الله يا अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सभी भाइयों के चैनल में, जो मतलब बहुत सारे वांटेड व्लॉगर मेरे साथ में हैं। और आपका भाई मोनू जांगिड, आप सभी भाइयों को और मेरी बहनों को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि यार दोस्तों आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट करा और बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हो यार। क्योंकि आपके भाई ने जो आदमपुर एक पार्ट चल रहा था उसमें काफ़ी मशक्कत करी हमने, उस पर कुछ गलत कमेंट की वजह से मैंने वो पार्ट रोक दिए थे और नेक्स्ट पार्ट वापस आपके भाई के डोर ऑफ डेथ चैनल पे आने वाले हैं कल परसों से। तो आप वीडियो पे बने रहिए, कंटिन्यू पार्ट आएंगे तो देखते जाना। और एक स्पेशल चीज बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि आज इतने हॉन्टेड व्लॉगर मेरे साथ में क्यों है, तो मैं आप सभी भाइयों को और बहनों को बता दूं कि यार दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले एक आदमकोर शैतान जो लोकेशन है जिसपे जितेंद्र भैया और काफी बड़े बड़े हॉन्टेड व्लॉगर आके गए हैं और इस जगह में मतलब मुक्ति भी दिला दी गई उस शैतान को। लेकिन पता नहीं कौन सी स्पिरिट है, कौन सी आत्मा है, क्या चीज है वो, कि मतलब वहां से जाने का नाम तक नहीं ले रही है। और आज तो कोई क्लियर नहीं कर पाया कि आखिर वहां पे है क्या चीज, क्या अपना कोई हिंदू भाई की कब्र है, वो दफनाया हुआ है, या मोमनर भाई जो भी कुछ है, समाधि वगैरह क्या है, कोई क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन वहां पे हिंदू रीति रिवाजों के शास्त्रों से, जो हिंदू रीति रिवाज से जो होती है मुक्ति, वो दिलवा के गए। लेकिन वो उसके बाद भी मैं खुद विजिट करके गया। एक्चुअली मैं बोलूं, उससे पहले जितेंद्र जी मारोठी आप जानते हैं भाई, क्या एक्चुअली मैं 2 बजे बाद में आया था मैं इस लोकेशन पे, जबकि मुझे पता पड़ा फिर ये ब्रह्म मुहूर्त में आए थे। ब्रह्म मुहूर्त में आया था मैं, उस समय कुछ भी नहीं दिखा था मुझे यहाँ पे। मेरे भी कमेंट आए थे कि भैया वापस जाना, वापस जाना। तो मैं ये क्लियर करने आया भैया जितेंद्र भैया कुछ भी नहीं दिखा। तो जितेंद्र भैया जो नहीं दिखा था उसका रीजन मैं आपको बता दूं। उस रीजन रहा कि 2 बजे बाद में, उस टाइम में भगवान जाग जाते हैं 2 से 4, 5, 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, तो जो आरती का टाइम वगैरह होता है हरिद्वार ऋषिकेश में आपने देखा होगा 4 बजे। इसी वजह से स्पीड आत्मा अपनी जगह वापस लुप्त हो जाती है, ठीक है ना। और इसी वजह से मैं जितेंद्र भैया को, राधे भाई को, सबको लेकर आया हूँ। और दोस्तों एक चीज बता दी, जो आप पसीना देख रहे हो उस लोकेशन पे जाने से पहले, कुछ ही दूरी पे लोकेशन है लेकिन लोकेशन पे जाने से पहले पूरा गीला हो चुका है आपका भाई, पूरी शर्ट गीली हो चुकी है, आवाज आ रही है। बाबा साहब तो बाबा साहब को लाने का सबसे बड़ा कि बाबा साहब इन चीजों में बहुत अच्छे से जानकार है यार, इनकी भी आज परीक्षा होनी है। और आज मैंने एक चैलेंज करा है कि बाबा साहब यहाँ पे हिंदू की वो जो है समाधि है या मोमनन भाई की अपने कब्र है, तो बाबा साहब ही क्लियर करेंगे। और बाबा साहब को अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है। बाबा साहब अगर आज इनकी भी परीक्षा है कि ये कैसे है, बिल्कुल तो बिल्कुल ज्यादा देर नहीं करते हैं, पता लगा के रहेंगे आज इंशाल्लाह, पूरी बातों को पता लगाएंगे क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। और बाबा साहब देखो, आप है ना, आप नाराज मत हो ना, नहीं बात नहीं है, आप नाराज मत हो ना। देखो हम भी है ना, देखो हमारी ऑडियंस के लिए ही कर रहे हैं। आज आपकी ये परीक्षा होगी कि वो कब्र किसकी है और कहाँ पे है। मुझे मेरे इल्म पे पूरा भरोसा है। देखो हमें तो आप पे फुल भरोसा है। मैं आपको अच्छे से मानता हूँ, अच्छे से जानता भी हूँ, मैं खुद आके गया था, राधे भाई को खुद देखो मेरी तबीयत में आपने बहुत साथ दिया, हाथ अंदर खींचा गया था, तो मैंने गेट खोला। देखो दोस्तों आपको भी पता होगा, जब मेरे में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, कुछ चोट वगैरह हुई है, घटना हुई थी, तो बाबा साहब का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग था मुझे सही करने में, ठीक है। मैं आज भी इनको प्रणाम करता हूँ कि यार इन्होंने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं करी, तब से मैं खुद इनको सैल्यूट करता हूँ कि यार वाकई इनमें वो पावर है, इनमें कुछ ऐसी शक्तियां है, शायद पता नहीं इन्होंने कैसे प्राप्त करी, लेकिन मैं खुद मानता हूँ। आप जानते हो मतलब अपने 7 चक्र जागृत करना वगैरह, ये अपने हिंदू रीति रिवाजों से ऐसे कुछ 7 चक्र जागृत करते हैं तो उससे कुछ जानकारी हो जाती है ऐसे वैसे, तो वैसे ही इनके भी ऐसी चीजें होती है, चेला लगाना पड़ता है उसके अंदर, पता पड़ जाता है। इसीलिए बाबा साहब बहुत अच्छे से इन चीजों को जानते हैं। ये परीक्षा हम आपके लिए कर रहे हैं भैया, लाइव वीडियो में देखने को मिलेगा, जो भी कैप्चर होगा, जो भी कुछ होगा, आप कमेंट करके बताना। मेरी बहनों के कमेंट थे कि भैया वापस जाना, वापस जाना, मैं नहीं आता दोस्तों किसी कहने पे भी। देखो सुनो, एक मिनट आवाज सुनो, देखो गुर्राने की आवाज है, वही आवाज है गुर्राने। बाबा साहब मेरे, बाबा साहब आपको करने का, बाबा साहब पहले तो आप वो चल के चीजें क्लियर करो, ये यहाँ पे है क्या, आप ये क्लियर करो कि वो कौन सी चीज है, कौन सी जगह है, क्योंकि अभी तक आपको जगह मालूम नहीं है। हम तो आके गए हैं, अपने में से कोई कुछ नहीं बताएगा इनको, हमारे साथ में भाई साहब भी, मतलब कि एक ब्रदर जो आप सोच रहे हो कि हम 5 ही कैसे हो गए 6 में से, तो यार जो हमारे मनोज जी है ना, उनने ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया था, ठीक है, वो कैमरा संभाल रहे हैं, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखा दूं, ब्रदर इधर करना अपने वाला, बस ये देखो ये भैया कैमरा चला रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे यार कि एक बंदा कहाँ गया, तो एक बंदा हम बता दे आपको, इन्होंने अपना कैमरा पकड़ रखा है। बाबा साहब ये कुछ मतलब
एक बीघे का समथिंग ये है ना कवरेज, उसी में ये शैतानी आत्मा है एक बीघे के अंदर अंदर। आप आपको बताना है कि आखिर वो समाधि है या कब्र है। बाबा साहब ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं लोकेशन पे आता हूँ ना तो मैं बेहोश हो जाता हूँ हमेशा यहाँ पे। हर बार किसी ने किसी के साथ कुछ घटना होती है, मामला है इसका, मुझे एहसास हो रहा है। पहले आते मुझे एहसास हो गया था। एक मिनट बाबा साहब को आगे जाने दो, बाबा साहब को आगे जाने लोकेशन तो दिखाए बाबा साहब को। क्या नहीं यहाँ बाबा साहब, ये वो ऑफिस है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन सी जगह क्या क्या है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को बताओ। बाबा साहब मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वापस यहाँ आने की, क्योंकि मेरा हाथ खुद का खींचा गया था, इसलिए मेरे को बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे कोई चीज है। आप लोग बिना पता लगाए आगे, बिल्कुल यहाँ पे क्या है क्या नहीं उसका एहसास तो मुझे हो चुका है, अभी मुझे पता लग रहा है। लेकिन कन्फर्म इस जगह मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या किस जगह क्या है घटित। तो बाबा साहब सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको। हाँ जी, कि ये लोकेशन हॉन्टेड है या जो भी कोई शैतान, मतलब ये तो मैं कन्फर्म कर सकता हूँ और करी है मैंने यहाँ पे आके, और वापस आने का रीजन मेरे जो मेरे परिवार है यूट्यूब परिवार उनकी वजह से ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ वापस। उन्होंने बोला कि वापस विजिट करो, वापस विजिट करो। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है, ये तो मैं बता दूं कि ये हॉन्टेड है या स्पिरिट आत्मा जो भी कोई शैतान है। अब आपको क्लियर करनी है वो आखिर जो यहाँ पे समाधि है या कब्र है, वो इंदू भाई की या मोमनन भाई की जो भी है, वो आप खुद बताओगे कि कौन सी जगह पे है। हम सब एक तरफ हो रहे हैं और आप सब एक तरफ हो जाओ। एक बार आप ऐसे करो, सुनो एक बार हम सब चल के इनको विजिट करवा देते हैं जगह, ये ऑफिस, ठीक है। उसके बाद बाहर आ जाएंगे, फिर इनकी परीक्षा लेते हैं कि यार यहाँ पे वो जो भी चीज है उसका क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये वो ऑफिस है बाबा साहब, ठीक है, और यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये बंद है और अभी जो यहाँ पे कुछ हो रहा है वो बताना है आपको, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखो अपन चलते हैं बाहर और हम रहते हैं साइड में, और अब आपको ये चीज क्लियर करनी है। जल्दी बाहर निकलो यहाँ से, जल्दी बाहर मार निकलो, जल्दी बाहर निकलो, बहुत खतरनाक खतरा है, चलो बाहर चलो फटाफट। नीचे से कैप्चर करो बाबा साहब, हम बाहर की तरफ है, ठीक है। बना कबल मिन आइन कांत समीउल अलीम, बना कबल मिन आइन कांत समीउल अलीम, या हय या कय्यूम बि रहमतिका नस्तगीस, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक। उनके पास कोई नहीं जाएगा, उनके पास है पावर, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो, उनका ख्याल वो रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सेफ्टी रखनी, हाँ सेफ्टी मेरे पास डबल डबल, आप बेफिक्रो नहीं। आपको ये बताना है यहाँ पे क्या चीज है बस, सबसे पहले तो ठीक है, यहाँ मैंने पता लगा लिया जो भी कुछ चीज है, यहाँ मुझे पता पड़ गया। बाबा साहब पहले आप यहाँ का क्लियर करो कि यार क्या चीज है। एक तो मुझे पता लग चुका है, हाँ। और मेरे पीछे जाओ, बिल्कुल पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, बिल्कुल पीछे जाओ, मेरे इधर आ जाओ, ठीक है। आप सर्च करके बताओगे यहाँ पे क्या है। हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ, ठीक है। आपका जो भी कर रहे हो पीछे हो जाओ भाई, पीछे जाओ, पीछे हो, पीछे हो जाओ, सब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ ले आओ सब कैमरे, अपोजिट साइड आ जाओ सब, बिल्डिंग की तरफ कोई कैमरा नहीं रखेगा, इस तरफ हो, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ हो, इस तरफ आ जाओ, कैमरा सब उधर बाबा साहब की तरफ रखेंगे कैमरा, इनको कैप्चर करना है। जहाँ तक हो उस बिल्डिंग से लेके इसके अंदर अंदर मामला है भाई, पीछे यार इधर हो जाओ ना एक तरफ,
दोस्तों दोस्तों एक चीज़ बता दूँ यार, मेरे पास भी मेरे गुरुदेव की दी हुई माला है, ठीक है, और इसके बारे में मैंने अभी तक वापस आपको नहीं बताया। तो एक बार मैं भी है ना इस माला से ट्राई करता हूँ, ठीक है, उस तरफ जाने की। माला माला के लिए बोल रहे हैं, माला को उनको कैसे पता पड़ा मेरे पास माला ये? पता नहीं, वो कुछ ध्यान कर रहे हैं। ओ, 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 क्या बाबा साहब, आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं, पीछे 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 बाबा, क्या हुआ? तुम पीछे हटो, दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो, मैं सब संभाल लूंगा। और है जो एहसास है मुझे, हेलेन से पूछेंगे इस बारे में, ठीक है, इनसे क्लियर करेंगे क्या चीज है, और इनको मेरे माला के बारे में कैसे पता चला? भाई ऐसा है बाबा साहब, क्या पूछ रहे हो तुम, जल्दी पूछो। पहले तो ये बताओ, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, ये मेरी माला थी, ठीक है, आपको कैसे पता कि मैं ये यूज कर रहा हूँ? देखो, बताने वाला वो परवरदिगार है मुझे। अच्छा, कौन किसके पास क्या, मैं सब बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये माला मेरी तो, मतलब फर्जी है या कुछ है? नहीं नहीं, ये माला में कुछ ताकत है, आपने कुछ साधना करी हुई चीज है, ये है ना, और तुम्हारे किसी बुजुर्ग की चीज है, बताओ तुम है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों देखो, आपको इस माला के बारे में स्पेशली पता है, ये वही माला है, ठीक है। अलावा सवाल, ये जो बिल्डिंग है ना, हाँ, ये यहाँ पे कोई दो मौलाना थे। अच्छा, तो मौलाना किसी कारण से एक्सपायर हो चुकी है, वो मर गए मतलब। अच्छा, तो एक की कबर तो उस कमरे के अंदर है, कमरे में, कमरे के अंदर। रुको 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 रुको, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बताएंगे, पहले इनको पूरा खत्म करने। और एक की कबर ये रही, अभी मुझे झटका लगा ना मुझे, बस ये दो कबर। बाबा साहब एक मौका और दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार और आप चाहो ना तो पता कर लो, पता कर लो। एक बात आपकी सही निकली कि दो कबर है, जगह जो आप बता रहे हो वो गलत है, आप बताओ। नहीं, जगह गलत नहीं है, एक तो कमरे के अंदर है, 100% मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। गलत जगह बता रहे हो बाबा, नहीं गलत नहीं बता रहे, आप मुझे यकीन है इस बात का, आप किसी से पूछ लो। और वो एक ब्लॉगर भी आया था यहाँ पे, उसने हिंदी रीति रिवाज से उसको मुक्ति दिलाई, लेकिन मुक्ति नहीं हुई उसकी, कारण क्या था? मुस्लिम है। अच्छा, तो मुस्लिम, मुझे क्या पता, मैं तो पहले बार आई हूँ, मुझे आप लेके आयो, तो वो था मुस्लिम, उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसकी मुस्लिम ही मुक्ति करवाएगा। अच्छा, वो खतरनाक आत्मा, उसकी जो जो ताकत बढ़ती जा रही है, उसकी खतरनाक ज्यादा खोल जा रही है। एक यहाँ पे अभी आपके साथ क्या हुआ था यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे एक मौलाना, ये दोनों मौलाना बहुत खतरनाक पढ़े लिखे थे। अच्छा, अब इनकी मौत हो गई, तो अब क्या है कि जितने लोग आके जा रहे हैं तो भड़क रहे हैं, वो तो वीडियो बना रहे, लेकिन ये भड़क रहे हैं, कोई आत्मा मुक्ति करा रहा तो मुक्ति नहीं हो रही, क्योंकि मुसलमान की मुक्ति मुसलमान ही कराएगा। उनमें शायद कोई चूक रही हो, बहुत भयंकर चूक रही है, जिससे वो, आप सही कह रहे हो, एक कब्र आप अंदर बता रहे हो, एक कब्र कमरे के अंदर है और एक कब्र ये बता रहे हो। तो यार दोस्तों देखो, यहाँ पे तो बाबा साहब को मैं फिर से सैल्यूट करता हूँ कि यार इन्होंने 100% मैं बिल्कुल चरण स्पर्श करता हूँ, बाबा साहब और दावा है मेरा करता हूँ कि एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूँ, बिल्कुल, कि दोस्तों वाकई मेरा दावा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हॉन्टेड व्लॉगर आके गए, जिन्होंने मतलब क्लियर कराया कि ये कब्र है, कब्र है, बहुत सारे जने जो तांत्रिक भी आए, बिल्कुल जाएगी वीडियो भी। दोस्तों आपको बिना ज्यादा लंबी खींचे वीडियो को, बाबा साहब एक बार रूम के अंदर चलना चाहते हैं अपन, बहुत सारे आप पहले वो दोस्तों जो बाबा साहब ने मतलब अपनी सिद्धि के द्वारा, अपनी साधनाओं के द्वारा जो चीज क्लियर करी है कि ये वो एक जो मतलब उनकी वो बताई जा रही कब्र, ये कब्र है, काफी हॉन्टेड व्लॉगर ने बताई होगी आपको वीडियो में, दो कब्र है रूम में। बाबा साहब कब्र बता रहे हैं एग्जैक्ट किस जगह है, जो होल है ना, देखो बाबा साहब के पास सेफ्टी है, आप लोगों के पास सेफ्टी नहीं, अपने गलत हो जाएगा, एक आदमी आएगा केवल, केवल एक आदमी, कौन आना चाहता है मेरे साथ, हिम्मत वाला कोई आदमी, मर गया, चलो ठीक है, मेरे पास माला है, कोई दिक्कत नहीं है, माला मेरे पास भी है, चलो बहुत सारी सेफ्टी मेरे को तो छोटी सी है, तीनों आ जाओ आप, ठीक है, मुझे आगे पीछे रहना दोस्तों, आओ इनके पीछे रहेंगे, ठीक है, इनके आगे नहीं है, आओ आप आगे, आगे हो, धीरे आगे हो, धीरे नहीं आ जाओ, इनको सब कुछ करके इधर आओ, पीछे बाबा साहब, हां दोस्तों कैमरामैन के साथ साइड में कर रहे हैं, सब साइड में लो, एक तरफ उधर ले, उधर ले, मैं करता हूं, आप गारंटी में चलेंगे, आपको फिर मेरे से बोलो, आप बड़ा कर लेंगे, आप बड़ा किधर है, जिनके पास सेफ्टी नहीं है ना वो बाबा साहब के दिन नहीं रहेंगे, पूरा भाई पीछे रहना, जित भी आप पीछे रहना, ऊपर पीछे रहोगे से يشترونه إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يملكون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم Thank you.
मैंने कहा था कि बिना माला के कोई ज्यादा बाबा पता नहीं कहां से आ गए। अपन तीन जने थे केवल आगे। तुझे हम आगे नहीं जाना था यार। सत्या भाई यार हे भगवान, जान बचा ली। इसको पता नहीं मेरे मोरा, तुझको पता नहीं था। माफ फरमा इसको बाबा। ऊपर आ चुका है। खतरा तो नहीं है ना? ताकत किसी की नहीं तेरे अलावा किसी में। वो चीज एक्टिव रखी है बाबा। बहुत खतरनाक चीज है वो बाबा साहब। ठीक तो हो जाएगा ना ये? हाँ हो जाएगा। इसको है ना हॉस्पिटल पहुंचाओ। हैं? हॉस्पिटल पहुंचाओ। ऐसे कंप्लीट घाव दौड़ ज्यादा हो गया इसलिए हॉस्पिटल पहुंचाओ। बाकी तो ये हॉस्पिटल हो जाएगा भैया अपने पास, क्योंकि अपन साथ लेके जा रहे हैं। उसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है। बाबा साहब इसको अकेले नहीं भेज सकते। भैया भाई, भैया भाई, भाई हो गए। बैठो 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 बाबा साहब। वो चीज आ गई बाबा। वो तेरी वो रे वो रे बाबा। वो रे ऊपर बाबा। बाबा वो रे ऊपर। उठो उठो भाई भाई। मत रखो इसे, मत तोड़ो। आपकी साथ रखो, आपके साथ रखो भाई को। भाई कैप्चर कर, कैप्चर कर। हां भाई देखो सामने देख लो। मैंने कहा ना इसको माला नहीं है, ये सेफ्टी नहीं है, उसको नहीं आना चाहिए था यार। गलती से आ गया ये पीछे। जान चल जाती इसकी। बिल्कुल बाबा साहब, बचा लिया आपने, शुक्रिया यार आपका। एक बार अकेले आ जाओ। जीतू जी कहाँ है? हाँ दो जने आ जाओ, मैं बता दूंगा। हिम्मत है, सेफ्टी कहाँ तुम्हारी? लो बाबा साहब ये ले लो, मैं देखो देखो देखो। कैमरा लो, चलो भाई कैमरा लियो, आ जाओ। बाबा साहब के पास कोई नहीं जाएगा, ठीक है भाई? एक बात बता दूं, जितने भी कैमरे चला ले सबके पास सेफ्टी पहले ऑलरेडी है। कोई कमेंट नहीं करेगा गलत, सबके पास सेफ्टी करा के लेके हमारे बंदों को। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, इन सबकी दोस्तों हमारी जिम्मेदारी। देखो हमें तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबकी साठ साठ कदम तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। बस बाबा के नजदीक कोई नहीं जाएगा। मेरे पास कोई आपको पोजीशन देना, वहाँ खड़ा होना है। थोड़ी सी लगी हल्की सी। आओ कोई बात नहीं, ब्लड आ रहा है इसके अभी भी। कस के बांधो थोड़ा सा, कस के बांधो। दो जगह बताया था मैं, एक बार कपड़ा धो के, कपड़ा मेरी जेब में खून का। बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है? हर बार रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका बाल मांगा नहीं होगा आपके वाली हॉस्पिटल है ना, इसका घाव वो अपन देख लेंगे। ठीक है बस ये घाव तो हम करवा लेंगे। आप आ जाओ, आपको दिखा दूं मैं। ठीक है पीछे आओ। आपको जहाँ खड़ा करने के लिए बोले ना भाई, रहोगे इधर बड़ा इधर नहीं छोड़ दूँ भाई, साथ लेके आओ। इस तरफ कोने में हो उसके साथ लेके आओ। बाबा साहब कोई चीजें वहाँ पे हो क्या चीजें? अरे हाँ हाँ वो गया मुस्लिम। क्या है अब तक क्या हुआ था?
नींबू है आप किसी पता से फोड़ो वो दिखने वाली बात है खून उन किसी का हो सकता है क्योंकि नहीं है किसको फोड़ो